हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए परिवार में। ठीक है, आइए कुछ रेशियो के क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये बोल रहा है कि एक लोमड़ी शेर का पीछा करता है और शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, लोमड़ी उतनी देर में 7 छलांग लगाती है। यानी ये टाइमिंग इसकी सेम है, शेर जितनी देर में 5 छलांग लगाता है, लोमड़ी उतनी ही देर में 7 छलांग लगाती है। यानी टाइमिंग दोनों का सेम है। तो क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे लिख लीजिए लायन और यहाँ क्या लिख लीजिए फॉक्स। ठीक है, बोल रहा है इनका जंप कितना दे रखा है, जंप इनका कितना कितना है। जंप दे रहा है कि शेर 5 छलांग लगाता है और लोमड़ी कितना लगाती है, 7 लगाती है। यानी शेर 5 है और इसका 7 है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, बोला है कि शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी, अब ये डिस्टेंस बोल रहा है यानी दूरी की बात कर रहा है। तो ये जो दूरी है, दूरी दे रहा है कि शेर द्वारा 6 छलांग में तय की गई दूरी, यानी लायन का 6 छलांग जो है वो लोमड़ी द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। तो हमने क्या किया कि फॉक्स का 5 बराबर कर दिया। ठीक है, यानी लायन का क्या है, रेशियो अगर निकालना है तो लायन का 5 है और लोमड़ी का 6 है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता है तो लायन अपन फॉक्स कर देंगे तो ये 5/6 हो जाएगा। यानी शेर का 5 और ये लोमड़ी का 6, यानी यहाँ से 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 6। ठीक, तो बोला है कि उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी स्पीड का रेशियो पूछा है ये। तो सीधा सीधा इसका गुणा कर दीजिए, 5 में 5 का गुणा कर देंगे 25 और 6 में 7 का गुणा कर देंगे तो 42। तो क्या किसका अनुपात पूछा है कि उनकी चालों का अनुपात, यानी 42:0 कितना आ जाएगा, 25। ये ऑप्शन गलत है, ये 25 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, और ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन था, 42:25। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे देखिए, इसी का थोड़ा सा अगर बड़ा क्वेश्चन करेगा तो कैसे करेगा, हमने टाइप वाइज क्वेश्चन को ले रखा है। ठीक है, देखिए, एक कुत्ता जितनी देर में 8 छलांग लगाता है, यानी यहाँ पे डॉग है और इसका 8 छलांग, यहाँ लिख लीजिए जंप, इसका 8 छलांग तथा जितनी देर में शेर 12 छलांग लगाता है, उतनी ही देर में एक शेर 12 छलांग लगाता है। यानी लायन का जो दे रखा है वो 12, यानी 8:12 है। ठीक, फिर बोल रहा है तथा जितनी देर में शेर 12 लगाता है, उतनी ही देर में लोमड़ी 15 लगाती है, यानी फॉक्स का दे रखा है, फॉक्स का। तो ये 12:15 है, यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 8, 12 और 15। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर आगे बोल रहा है कि कुत्ते द्वारा 8 छलांग में तय की गई दूरी, यानी डॉग का 8 किसके बराबर है, शेर द्वारा 16 के, यानी लायन का 16 और बराबर है 16 छलांग और लोमड़ी द्वारा 24 छलांग के बराबर है, यानी फॉक्स का 24 ये बराबर है। ठीक है, बात समझ में आ रही, ये 24 के बराबर है। अब देखिए, इसको काट लेते हैं, इसको 8 × 8, 8 × 16 और 8 × 24। ठीक है, ये बराबर में है तो इनका अनुपात में रेशियो निकालने के लिए डॉग, लायन और फॉक्स का क्या, हम इसको बटे में लिखते हैं, हमने बता रखा है आपको 1/1, 1/2 और 1/3। आप चाहें तो इनका एलसीएम ले सकते हैं, नहीं तो पहले वाले का निकालना है तो इन दोनों के हर से गुणा, 3 × 2 = 6। दूसरे वाले का निकालना है तो इन दोनों के हर से गुणा, 3 × 1 = 3। और फिर तीसरे का निकालना है तो 2 × 1 = 2, यानी 6, 3 और 2, यहाँ लिख लीजिए 6, 3 और 2। ये क्या है, डिस्टेंस है, ये दूरी है। ठीक है, अब इसको क्या करना है कि पूछा है कि उनकी चालों का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी स्पीड का आपसे रेशियो पूछ रखा है। तो स्पीड के रेशियो के लिए क्या करते हैं, ये 8×6 = 48 हो गया, 12×3 = 36 हो गया और 15×2 = 30। ये सभी 2 से कट रहे हैं तो 2 से काट लेते हैं, 2 से ये 24 बार में, ये 18 बार में, ठीक है, और ये 15 बार में, यानी 24, 18 और 15। अभी भी कट रहा है ये 3 से, देखिए 3 से इसको फिर से काट लेते हैं, 3×8 = 24। ठीक है, 3×9 = 18 और 3×5 = 15, 8, 9 और 5, कौन सा ऑप्शन है ये, 8, 9 और 5 नहीं आ रहा है, 12 आ रहा है ना,
दो से इसको काटेंगे 12 बार में, 12 9 2 9 18, 3 से काटा था हमने ना, 3 8 24, यह है 3 6 18 और 3 5 15, 8 6 5, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट था। ठीक है, यहाँ से हमने डिस्टेंस निकाल लिया और डिस्टेंस निकालने के बाद हमने सीधा सीधा गुणा कर दिया और इसको 6 से काटेंगे तो 6 8 48, 6 6 36 और 6 5 30, 8 6 5, यही सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। देखिए आगे दे रखा है, दो मोमबत्ती जिनकी समान लंबाई है, मोमबत्ती की लंबाई क्या है, समान है, बोल रहा है उन्हें एक साथ जलाया जाता है। पहली मोमबत्ती 8 घंटे में समाप्त हो गई, पहली वाली 8 घंटे में और दूसरी वाली 6 घंटे में, यानी ये कह सकते हैं कि पहली वाली 8 घंटे तक कार्य करती है और दूसरी वाली 6 घंटे तक कार्य करती है। यानी पहली जो है, पहली वाली 8 घंटे तक कार्य करती है और दूसरी वाली 6 घंटे तक कार्य करती है, यानी टोटल 24 इसका एलसीएम ले लिए, यानी टोटल वर्क इनका 24 रहा होगा और ये 8 और 6 में कार्य कर रही हैं, 8 और 6 का एलसीएम 24 है, तो इनकी इफिशियंसी कितनी रही होगी, 8 3 24, 3 की और ये 6 की 4, 24 में 6 का भागा दे दिए तो 4, 24 में 8 का भागा दे दिए तो 3, इसका मतलब क्या है, यानी 8 घंटे तक चलती है, 24 यूनिट टोटल है, यानी 1 घंटे में 3 यूनिट किया होगा, 1 घंटे में 3 यूनिट, तभी तो 8 घंटे में 24 यूनिट जलेगा, 8 3 24, 1 घंटे में ये 6 यूनिट जला होगा तो 6 घंटे में 24 यूनिट जला होगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि यह मानते हुए कि प्रत्येक मोमबत्ती अलग अलग दर से जलती है, तो जलने के कितने देर बाद पहली तथा दूसरी मोमबत्ती की लंबाई का अनुपात 3:1 हो जाएगा, यानी कितने देर बाद, तो टोटल ये 24 यूनिट की मोमबत्ती है दोनों, 1 घंटे में 3 यूनिट करती है तो x का गुणा कर दें, अगर 2 घंटे जली होगी तो 6 जोड़ देंगे, इसलिए हमने 4 में इसका x का गुणा कर दिया, यानी कितने घंटे जली है वो इसका गुणा कर दें तो ये मिल जाएगा कि कितने घंटे जली है। अब इसमें से ये बोल रहा है कि जो घटने के बाद आएगा वो बराबर हो जाता है अनुपात 3:1 के, यानी 3/1 का, अब इसका तिर्य गुणा कर लीजिए, बात समझ में आ रही है, 1 घंटे में 3 यूनिट जल रहा है तो कितने घंटे जला दे, इन दोनों से घटा दे टोटल में से कि 3:1 में हो जाए, अब इसका गुणा कर लीजिए, 24 - 3x बराबर 24 या 72 - 12x। ठीक है, बात समझ में आ रही है, 12x इधर लाएगा तो माइनस का 3x और प्लस का 12 बराबर 72 माइनस का ये 24 हो जाएगा और ये घटेगा तो 48 और ये माइनस का 3x और प्लस का ये 12x कितना हो जाएगा 9x प्लस का, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 - 3x और 24 3 72 और ये 12x इधर आएगा तो ये प्लस का 12x 9 3 12 हो गया। ठीक, और इधर जाएगा तो ये 24 घट जाएगा तो 72 में से 24 घट गया तो 48। ठीक है, तो ये x की वैल्यू 48/9 कितनी आ गई 9, 48/9 आ गई है, 48/9, यानी x की वैल्यू आने का मतलब है कि 48/9 घंटे तक अगर जला दिया जाए तो 3/1 यूनिट में हो जाएगा, इसका मतलब है कि 9 5 45 5 घंटे, 5 सही और ये 3/9 यानी 3 1 3 और 3 3 9 यानी 5 घंटे है और 1/2 1/3 आ रहा है, 5 से 1/3 घंटे आ रहा है, यानी 5 घंटे प्लस जो 1/3 घंटे आ रहा है इसको 60 से गुणा कर दें तो ये घंटा मिनट में चेंज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 20, यानी आंसर क्या आ गया 5 घंटे और 20 मिनट। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है, 5 घंटे 20 मिनट। क्लियर है, देख लीजिए आप लोग, आगे बढ़ते हैं। ए बी सी तीन धनात्मक पूर्णांक, जैसे कि ए बी 3:4 के अनुपात में है, बी सी 2:1 के अनुपात में है, तो पहले तो हम ए बी सी रेशियो निकाल लेते हैं। ये दे रखा है कि ए रेशियो बी दे रखा है कितना है, 3:4 है और 20:C दे रखा है आपका कितना, 2:1 है, तो आपको बता चुके हैं या तो आप पूरा लिख के निकाल सकते हैं, नहीं तो B यहाँ भी है, B का रेशियो 4 है और यहाँ B का रेशियो 2 है, तो क्या इस 2 में हम 2 का गुणा कर दें तो 4 बन जाएगा, यानी हो कितना जाएगा 4:2 हो जाएगा, ये 2 का दोनों में गुणा कर दिए तो 4:2 हो गया, बात समझ में आ रही है। तो अब A रेशियो B रेशियो बी रेशियो सी जो होगा ये तो है 3:4 और यहाँ भी बी का जब ये 4 हो गया और सी का कितना हो जाएगा 2 यानी 2, तो कितना हो गया 3:4:2, बात समझ में आ रही है। जब ए रेशियो
बी रेशियो सी आ गया 3:4:2, तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 3 7 और 2 9। तो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संभावित मान ए प्लस बी प्लस सी के बराबर है, यानी जब भी इन ऑप्शन में से कोई एक आंसर होगा 9 का मल्टीपल होगा, यानी वो 18 हो सकता है, 27 हो सकता है, 36 हो सकता है, यानी 9 का मल्टीपल में बनेगा ऑप्शन। तो हम देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या जो 9 से कटती है, और 9 की डिविजिबिलिटी रूल आप लोग जानते होंगे कि जिन संख्याओं के डिजिट का सम कर दिया जाए, यानी उन संख्याओं के अंकों का योग अगर 9 से कट जाता है तो संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। देखिए 2 और 1 3, ये 3 आ रहा है, क्या 3 9 से कटेगा, नहीं, ये ऑप्शन नहीं था। 7 और 2 9, यही एक ऑप्शन है जो कि 9 से कटेगा, बाकी कोई भी देख लीजिए, 5 और 2 7, ये नहीं है, 2 1 3 ये भी नहीं है, यानी 207 केवल आंसर करेक्ट था जो कि 9 के मल्टीपल में है, यानी 9 से कट जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये देखिए ये MTS SSC में आया हुआ क्वेश्चन 2018 में, और ये CGL 2017 मेंस में भी पूछा गया था क्वेश्चन। बोला है कि यदि चयनित का अचयनित, चयनित का मतलब होता है सेलेक्टेड, देखिए यहाँ दिया है, और अचयनित का मतलब है अनसेलेक्टेड, उम्मीदवारों से अनुपात 14:25 था, यदि 35 से कम ने आवेदन किया होता और 10 कम चयनित होते, यानी यहाँ लिख लेते हैं सेलेक्टेड। इसको हम दो तरीके से बताएंगे, एक तो बेसिक मेथड बता दे रहे हैं जैसे आप लोग करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट लगा करके तिरिया गुणा, और बाकी हम एक आसान तरीका भी आप लोगों को देंगे, दो तरीके, 14:25 है किसका, सेलेक्टेड और नॉन सेलेक्टेड का, कितना है 14 है और 25 है। फिर बोल रहा है कि यदि 35 ने कम आवेदन किया होता, यानी आवेदन इसमें से 35 कम हुए होते और 10 कम चयनित होते, तो चयनित से अचयनित का अनुपात कितना हो जाता, 3:5 हो जाता। बात समझ में आ रही है, ये 3:5 हो जाता, कब, जब ये बोला है कि 35 कम आवेदन किए होते और 10 कम चयनित होते, चयनित का मतलब होता है कि 10 कम चयनित हुए होते, बात समझ में आ रही, लेकिन ये बोल रहा है आवेदन करना, आवेदन का मतलब होता है कि फॉर्म फिलअप करना, और जब कोई फॉर्म फिलअप कर रहा है तो उसको पता ही नहीं है कि हम सेलेक्टेड हैं और नॉन सेलेक्टेड है, यानी ये टोटल की वैल्यू दे रखा है 35, चयनित का मतलब हो गया, चयनित का मतलब यहाँ देखिए क्या दिया होगा, व्हाट इज द नंबर कैंडिडेट्स अप्लाइड, अप्लाइड का मतलब अप्लाइड फॉर ए जॉब, देख रहे हैं, यानी ये पता ही नहीं है कि हम सेलेक्टेड हैं कि नॉन सेलेक्टेड, यानी ये टोटल की वैल्यू दे रखा है, टोटल 35। तो बोल रहा है कि यदि 35 कम आवेदन किए होते, 35 कम लोग आवेदन करते, एक बात बताइए, अगर 10 कम लोग चुने जाते तो नॉन सेलेक्टेड की संख्या 10 बढ़ जाती, अगर 10 कम लोग सेलेक्ट होते तो नहीं सेलेक्ट होने वालों की संख्या 10 बढ़ जाती, यानी पहले 35 कम थे और अब क्या हो रहे हैं, 10 प्लस हो जा रहे हैं, तो नॉन सेलेक्टेड की संख्या कितनी हो जाएगी, माइनस का 25, बताइए क्लियर है ये चीज़, यहाँ माइनस का 25 रख देंगे। कहने का मतलब है कि टोटल माइनस 35 में थे, बोल रहा है कि सेलेक्टेड 10 कम हो रहे हैं, यानी जब 10 कम लोग चुने जाएंगे वो नॉन सेलेक्टेड में 10 बढ़ जाएंगे, और जब 10 बढ़ जाएंगे तो माइनस का 35 और प्लस का 10 घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 25, यानी यही नॉन सेलेक्टेड के अंतर्गत चले जाएंगे, बात क्लियर है। अब देखते हैं तिरिया गुणा कर लीजिए, अगर आपको तिरिया गुणा ये चीजें नहीं समझ में आ रही तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 14x/25x माइनस का 10 और माइनस का 25 बराबर आप 3/5, इसको क्रॉस प्रोडक्ट लगा करके आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं यहाँ से, और फिर 14x और 25x फिर रख सकते हैं, लेकिन इतना आपको नहीं करना है क्योंकि बार बार x लिखने में आपको नैनो सेकंड का जो टाइम लगेगा वो कंज्यूम करेगा आपके पेपर में। ठीक है, तो आप यहाँ से तिरिया गुणा कर लीजिए, 14×5=70 हो गया, और 25×3=75, रेशियो का रेशियो से गुणा करके घटा दीजिए, 75 में से 70 घटा दिए तो 5, यानी 5 रेशियो की वैल्यू, बात क्लियर है, 5 रेशियो की वैल्यू 25×3=75 हो गया, माइनस का 75 और माइनस 10×5=50, ये देखिए यहाँ से 10×5=50, यानी माइनस का 50 और माइनस घटेगा गुणा करने के बाद घटता है, और 25×3=75 यानी माइनस का 75, तो ये कितना हो गया, 5 रेशियो की वैल्यू, माइनस का 50 प्लस का 75, तो कितना हो जाएगा, 5 रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये 25 हो जाएगी, यानी 1 का कितना हो जाएगा, 5, जब
पांच रेशियो की वैल्यू 25 है तो एक रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगी 5। तो आपसे 14 क्या पूछा है कि नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है, यानी टोटल की वैल्यू पूछ रहा है। आवेदन का मतलब होता है कि सेलेक्टेड प्लस नॉन सेलेक्टेड, तो 14 और 25 को जोड़ देंगे तो 39 हो जाएगा, यानी आपसे 39 की वैल्यू, ये टोटल है, इसको जोड़ देंगे तो टोटल मिल जाएगा, यानी आपसे 39 की वैल्यू पूछ रखा था। ठीक है, तो आप यूनिट डिजिट लगाएंगे, 5 में 39 का गुणा कर दीजिए, 5 9 45 के 5 हाथ में है 4, 5 15 और 4 19 195, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है 195। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ये तो था, आप बेसिक तरीके से बना सकते थे, आपको ये बार बार निकालने में दिक्कत करेगा माइनस का 25, इसको हटाने के लिए देखिए हम दूसरा तरीका बताते हैं, आपको ये आसानी से लग जाएगा। देखिए इसको, आपको पढ़ना कहाँ से है ऐसे क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखिए, ये जो हिंदी दे रखा है जिसको आप चेंज करते हैं ना, इसी को रहने दीजिए। बोला है 35 कम ने आवेदन किया होता, अगर 35 कम आवेदन करने का मतलब हमने बताया कि टोटल की वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ लिख लीजिए टोटल। फिर क्या दे रखा है कि और 10 कम चयनित होते, 10 कम चयनित होने का मतलब क्या, चयन होने का मतलब सेलेक्टेड, और कम चयन होने का मतलब सेलेक्टेड की बात कर रहा है ये, सेलेक्टेड। अब देखिए यहाँ से ये टोटल की वैल्यू, अब रेशियो में ये सेलेक्टेड है और ये नॉन सेलेक्टेड है, तो 14 और 25 जोड़ देंगे तो टोटल 39 हो जाएगा। फिर सेलेक्टेड का रेशियो कौन सा है, ये चयनित का 14 है, तो यहां से 14 लिख लीजिए। बात समझ में आ रही है। इसके बाद देखिए नीचे 35 कम आवेदन किए होते तो माइनस का 35, और 10 कम चयनित होते तो यहाँ माइनस का 10 लिख लीजिए। तो क्या होता, तो चयनित से अचयनित का अनुपात 5:3 हो जाता, यानी टोटल 8 हो जाते ये। और फिर चयनित का रेशियो कितना हो जाता पहले वाला 3। बात समझ में आई। हमने क्या किया, हमने जो ये हिंदी दे रखा था इसका रेशियो को छोड़ करके जो वैल्यू दे रखी थी उसी के हिसाब से हमने रेशियो को चेंज कर दिया, वैल्यू के हिसाब से हमने क्या किया रेशियो को चेंज कर दिया, तो हमारा आसानी से क्वेश्चन आप देखिए लग जाएगा। 39 तिया होता है 117, ठीक है, माइनस 14 8 112, ठीक, 39 तिया 117 और 14 8 112, घट जाएगा तो कितना आएगा 5, यानी रेशियो का रेशियो से गुणा करके घटाए हैं तो रेशियो की वैल्यू आएगी 5, रेशियो की वैल्यू आ गई यहाँ से देखिए 8 10 में 80 माइनस का 80, और ये 35 30 90 और 3 5 15 यानी 105, 105 में से ये 80 घट जाएगा क्योंकि गुणा करके घटाते हैं, जब दोनों चिन्ह समान होता है तो घट जाता है, तो कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा, यानी 5 रेशियो की वैल्यू कितना आ गई 25। देखिए पूरा करके आपको दिखा देते हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए इसको, ये 8 10 में 80 माइनस का 80 घटेगा माइनस, और ये कितना हो जाएगा 105 माइनस का 105, तो माइनस का 80 और प्लस का 105 आ रहा है ना, प्लस का 25, बस यही हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 5 की वैल्यू 25 आ गई, तो एक की कितनी आ जाएगी 5। तो आपसे पूछा था कि नौकरी के लिए आवेदन करने वाले हो, यानी टोटल का वैल्यू पूछा रखा था, तो टोटल तो हमने 39 है, यानी 39 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 195। ये आपको बदलना नहीं पड़ा और डायरेक्ट आपका आंसर आ गया, तो आपको भी ऐसे ही पेपर में करना है। आगे देखते हैं, देखिए इसको, एक परीक्षा में सफलता और असफलता का अनुपात 5:2 है, यदि असफल विद्यार्थियों की संख्या 14 अधिक होती, देखिए किसका दिया, असफल का दिया है, 14 अधिक होती तो सफलता और असफलता का अनुपात 9:5 हो जाता है। यहाँ पे टोटल की वैल्यू नहीं दे रखा है, केवल असफलता का दिया है, तो दूसरे वाले में हम लिख सकते हैं पास का, लिख लीजिए पास, और असफल का मतलब है फेल, तो डायरेक्ट रेशियो रख लीजिए 5:2 है ये, ठीक। असफल विद्यार्थियों की संख्या अगर 14 अधिक होती, इसको हम बाद में लिखेंगे, आगे रेशियो क्या बोल रहा है 9:5 हो जाता, कब, जब इसकी संख्या फेल होने वालों की संख्या 14 ज़्यादा होती। एक बात बताइए, जब भी क्लास में बच्चे अगर 14 फेल ज़्यादा होंगे तो पास होने वालों की संख्या क्या हो जाएगी 14, अगर फेल होने वालों की संख्या 14 ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा लोग फेल हों तो पास होने वालों की संख्या पहले की अपेक्षा 14 कम हो जाएगी, तो यहाँ क्या कर देंगे माइनस का
14 रख देंगे। सिंपल सा है कि जब इसमें 14 ज़्यादा होंगे तो इसमें 14 कम हो जाएंगे, ठीक है। कुछ लोग केवल इसको न रख करके इसी पे लगा करके सवाल लगा देते हैं, जो कि गलत आएगा आंसर, ठीक है। आप उसको हल करेंगे तो 126 आएगा आपका आंसर, जो कि गलत है। देखिए इसको, 5 5 25 और 9 2 18 घटा देंगे तो 7 रेशियो की वैल्यू, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यहाँ से 14 9 126 कितना हो जाएगा, 126, और ये माइनस 14 5 70 माइनस का 70, तो 7 रेशियो की वैल्यू 126 प्लस का 70, तो 7 रेशियो की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये 196, यानी 7 रेशियो की वैल्यू कितना आ गई, 196। तो आपसे पूछ क्या रखा था, जब 7 रेशियो की वैल्यू 196 आ रही है तो आपसे पूछ रखा था कि इस परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे, तो कितने अभ्यर्थी पास और फेल टोटल हो जाएगा, ये टोटल हो जाएगा, क्योंकि कितने अभ्यर्थी शामिल हुए का मतलब क्या है, टोटल की वैल्यू। तो 7 की वैल्यू 196 यही आपसे पूछा था, 5 और 2 7 टोटल होता है, जो कि 7 की वैल्यू 196। देख लीजिए ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट था, ठीक है। यदि आप इसको न रख करके केवल इस पे बनाएंगे तो 126 आंसर आएगा, जो कि गलत आंसर है। ये देख लीजिए इसको, आगे देखते हैं। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या और अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या 25 4 है, तो हमको रेशियो से नहीं मतलब है। देखिए, या तो आप पहले इसी तरीके से समझ लीजिए, बता देते हैं। उत्तीर्ण होने वालों की संख्या और अनुत्तीर्ण यानी पास का जो रेशियो है और जो फेल का रेशियो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 25 4। अब क्या है, यदि 5 और उत्तीर्ण होते और अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या 2 कम थी, तो उत्तीर्ण से अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का अनुपात 22 3 हो जाता, यानी ये कितना हो जाता, 22 3 हो जाता। कब, जब ये बोल रहा है कि 5 और अधिक उत्तीर्ण होते और अनुत्तीर्ण होने, ये देखिए ये थोड़ा सा गलत दे रखा है यहाँ क्वेश्चन में, देखिए इंग्लिश में दे रखा है कि इफ 5 मोर हैड appeared का मतलब होते हैं कि 5 और लोगों ने परीक्षा दी होती, इसको उत्तीर्ण को बना लीजिए, 5 और लोगों ने परीक्षा दी होती, 5 और लोगों ने परीक्षा दी होती और अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या पहले की तुलना में 2 कम थी, तो उत्तीर्ण से इतना हो जाता, तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने वालों की संख्या नहीं पूछा है, ये पूछा है हु appeared एट द एग्जामिनेशन इज, यानी कितने लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया था या कितने लोग थे। तो देखिए इसको, यदि 5 और अधिक ने परीक्षा दी होती, अधिक कम परीक्षा देने का मतलब है कि न तो वो फेल की बात कर रहा है और न ही पास की बात कर रहा है, ये टोटल की बात कर रहा है। तो बोल रहा है कि अगर टोटल 5 और लोगों ने परीक्षा दी होती और 2 अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या पहले की तुलना में 2 कम होती, यानी फेल 2 कम होते, तो पास होने वालों की संख्या 2 क्या हो जाती, बढ़ जाती। जब फेल 2 कम हो जाते तो पास होने वालों की संख्या 2 ज़्यादा हो जाती, तो 5 थे ज़्यादा और ये 2 कितना हो जाएगा, पास 7 हो जाएंगे। अब देखिए इसको, 25 3 75 और 22 4 कितना हो जाएगा, 88, कितना हो जाएगा, 8 रेशियो की वैल्यू, 25 3 75 और 22 4 88 13 रेशियो की जो वैल्यू है, ठीक है, 22 9 44 हो जाएगा और 7 3 21 हो जाएगा, 44 और 21 कितना हो जाएगा, 65। क्यों जुड़ रहा है ये, क्योंकि आप चिन्ह ये देखेंगे तो ये माइनस का है, देखिए दिखा दे रहे हैं आप लोगों को, 22 9 44 और 7 3 21 यानी 21 माइनस और माइनस का ये कितना हो जाएगा, 44। तो देखिए जुड़ रहा है, 13 की वैल्यू कितना हो जाएगी, ये 65, 4 1 5 और ये, जब 13 की वैल्यू 65 है तो 1 की कितनी हो जाएगी, 5, जब 1 का 5 हो गया तो आपसे क्या पूछ रखा है कि हु appeared यानी टोटल, तो 25 4 29 की वैल्यू पूछ रखा है, 29 की वैल्यू आपसे पूछा है, तो 5 9 45 के 5 हाथ में 4, 5 2 10 और 4 14 145 इसका करेक्ट ऑप्शन ए ऑप्शन था, ठीक है, देख लिया आप लोग। तो आपको आप इजी तरीके से बिना इसको निकाले बता देते हैं कैसे निकलेगा ये। देखिए इसको, पहले तो आप यहाँ हिंदी से, हमने बोला था कि जो डेटा दे रखा है वहाँ से पढ़िए, यदि 5 और अधिक लोगों ने परीक्षा दी होती यानी टोटल बोल रखा है, तो पहले आप टोटल लिख लीजिए, टोटल, और फिर क्या देखा,
पहले की तुलना में दो कम थी। क्या अनुत्तीर्ण होने वालों की संख्या पहले की तुलना में दो कम थी, यानी अनुत्तीर्ण का मतलब फेल का रेशियो दे रखा है। तो टोटल निकाल देंगे 25 और 4 29, और फेल का रेशियो कितना हो जाएगा 4। फिर क्या बोला है कि यदि 5 और लोगों ने परीक्षा दी होती, यहाँ रेशियो 22 और 3 25 हो जाएगा, 25 और फेल का रेशियो कितना हो रहा है 3, तो कितना हो जाएगा ये 5 और अधिक ने परीक्षा दी, यानी प्लस का 5 और यहाँ माइनस का 2। ठीक, अब देखिए 29 या 87 और 25 चौक के 113 रेशियो हो जाएगा, 13 की वैल्यू कितना हो जाएगी 25 दूनी 50 और 5 तीन 15, 50 और 15 65, यानी 1 की वैल्यू 5। तो टोटल 29 की वैल्यू आपसे पूछ रखा है, 29 की वैल्यू कितना हो जाएगा 145। इस तरीके से आसानी से लग गया। ठीक है, तो आप इसको आसानी से इस तरीके से बना सकते हैं। देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति ने एक निश्चित राशि को अपने तीन पुत्रों में 2 संबंधी 3 संबंधी 8 के अनुपात में बांटता है। यदि उसने इस राशि को इसके अनुपात में विभाजित किया होता, यानी पहले राशि बांटना चाहता था वो 2 संबंधी 3 संबंधी 8 के अनुपात में, ठीक, लेकिन वो बांट रहा है 1 संबंधी 2 संबंधी 3 संबंधी 8, ये सोच रहा है कि इसमें बांटता तो सबसे कम राशि प्राप्त करने वाले पुत्र को 2200 रुपये अधिक मिले होते, यानी जिस रेशियो में बांट रहा था उसका अगर इन्वर्स करके बांटता तो 2200 रुपये ज़्यादा मिलते। तो पहले तो ये देखिए, इसको रेशियो में बदल लेते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 24 आएगा इसका एलसीएम, 24, तो 1/2 को 24 से गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 3, यानी 12 8 और 3। ठीक, ये रेशियो आ गया। तो एक बात बताइए कि इसकी टोटल राशि कितनी हो रही है 13 की, और इसकी टोटल राशि कितनी हो रही है 12 8 20 और 3 23 की हो रही है। ठीक है, इसकी टोटल राशि 13, इसकी टोटल राशि 23। राशि जब भी वो बांटा होगा तो दोनों पे सेम ही राशि बांटेगा, एक ही राशि बांटेगा, तो दोनों का टोटल तो बराबर आना चाहिए। क्या हम इसको 23 से गुणा कर दें और इसको 13 से, तो राशि बराबर हो जाएगी। बताइए, इसको 13 से हमने गुणा कर रखा और इसको 23 से, तो दोनों की राशि सेम हो जाएगी, यानी 13 का सब में गुणा कर दें और 23 का भी सब में गुणा कर दें। लेकिन सब में हमको गुणा करके अपना टाइम बर्बाद नहीं करना है। देखिए, बोल रखा है कि ये जो सबसे कम मिलता था जिसको, अब उसको 2200 ज़्यादा मिलने लगे हैं। पहले इसी को सबसे कम मिलता था, यानी 23 का 2 में गुणा कर दें तो पहले इसको कितना मिलता रहा होगा 46। ठीक है, और यहाँ से 13 में 12 का गुणा कर दें, यही तो है ना पहला वाला, बात समझ में आ रही है। तो ये पहला वाला है, तो इसका पहला वाला यहाँ है, तो 13 में 12 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 156 हो जाएगा। 13 में 12 को गुणा कर दिए 156, कितना ज़्यादा पाने लगा अब ये 110 पा रहा है। यही 110 की वैल्यू किसके बराबर दे रखा है, 2200 के बराबर दे रखा है। तो पूछा है कि कुल राशि क्या है, तो राशि तो 13 × 13 में थी, 23 में थी, यही राशि थी ना, तो इसको गुणा कर लेते हैं 0 0, 11 × 22 और ये 20 बार में कटा, और इसका गुणा करना है 23 × 46, 460 और 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 × 0, 13 × 5 65, 13 × 6 78, यानी 80 कोई ऑप्शन है, ये है देखिए 5980, इसको आप बना लीजिए। ठीक है, हो गया, देख लीजिए इसको आप लोग। ठीक, इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन ये देख लीजिए। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो फिर से देखिएगा। ठीक है।